तो 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, और साफ दिखता है कि इन 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में मैं फिर कहूंगी थोड़ा समय लगेगा हमें, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करती हूं तो सीधा मुकाबला भाजपा से है, और भाजपा को कांग्रेस हराते हुए इन चुनावों में, खासतौर से मैं अगर आज गोवा में बैठी हूं कहूं तो साफ दिख रही है। लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन और प्रचार राष्ट्रीय दलों से ज्यादा क्षेत्रीय दलों ने फूका हुआ है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, गोवा में हूं, आप कोई भी अखबार उठाएंगे, टीवी खोलेंगे, गूगल पे करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी ही आपको दिखेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का कौन सी अखबार है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, क्या हेडलाइन है, मैं गोवा के लोगों को कहूंगी, पंजाब के लोगों को कहूंगी, उत्तराखंड के लोगों को कहूंगी, जरूर पढ़िएगा इसे। कितना रुपया विज्ञापनों पर अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया, प्लीज जो सुन रहे हो पढ़ लीजिएगा, 822 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने मात्र विज्ञापनों पर फूंक डाला। किसका पैसा था ये? दिल्ली के करदाताओं का पैसा। किस पे लगना चाहिए था? दिल्ली के विकास पे। कहां खर्च किया जा रहा है? दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के विज्ञापन के प्रचार और प्रसार में 822 करोड़ दिल्ली के करदाताओं को फूंक डाला। क्या उत्तराखंड, गोवा, पंजाब के लोग आप चाहते हैं कि आपके भी टैक्स पेयर का पैसा आपके राज्यों में न लगकर इसी तरह दिल्ली की तरह, दिल्ली के टैक्स पेयर की तरह दूसरे राज्यों में फूंका जाए? अब ये चुभता नहीं कि 822 करोड़ रुपया आपने फूंक डाला, और वो भी कब, जब दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे थे। छोड़ दीजिए, चलिए मैं पलटती हूं इसको, अब यहां देख लीजिएगा, 822 करोड़ पैसा है किस पे, विज्ञापनों पे खर्च किया। यहां पलटेंगे तो आपको हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलेंगी, बहने, आंगनवाड़ी वर्कर्स दिल्ली के केजरीवाल के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना कर रही हैं। क्यों? इनके वेतन नहीं इनको दिए जा रहे हैं, तनख्वाहों के पैसा नहीं है, विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन इन आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए इतनी महंगाई बेरोजगारी में केजरीवाल के पास देने का पैसा नहीं है। मैं ध्यान से कहूंगी गोवा के लोगों को, ध्यान से पंजाब उत्तराखंड देखिए, ये मॉडल है। आ जाइए, मुफ्त पानी हमें भी चाहिए था, मुफ्त पानी के नाम पर ये मैं नहीं कह रही हूं, न्यूज 18 की खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, अलका लांबा नहीं कह रही है, ये बेनकाब कर रही हूं अरविंद केजरीवाल और उसके दिल्ली के मॉडल को। न्यूज 18 की खबर है, क्या लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं ये मुफ्त पानी के नाम पर? मैं नहीं, हाईकोर्ट कहता है अरविंद केजरीवाल सरकार को कि मुफ्त के नाम पर लोगों को सिर्फ आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं पिछले 7 सालों से जब से आप दिल्ली की सत्ता में आए। 24 घंटे पानी के वायदे पर दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार, ये केजरीवाल सरकार को फटकार मुफ्त पानी पर लगाई है। इसको पलट लेते हैं तो यहां आ जाते हैं, पलटते ही पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आसान है, हवाएं जहरीली हैं तो पंजाब का किसान के सर पर ठीकरा फोड़ दीजिए, दिल्ली में पानी नहीं है जहरीला दूषित पानी है तो हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दीजिए, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर केंद्र सरकार के पीछे पड़ जाइए। आज ठीक इसी तरह, मैं नहीं कह रही, यहां हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पानी पर, कहा लॉलीपॉप दे रहे हो, यहां सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा पर लगाया था यमुना का पानी रोकने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब फटकार लगा रहा है कि बहानेबाजी केजरीवाल बंद करिए, मुफ्त पानी, साफ पानी, 24 घंटे पानी, घर के नल के तक पानी की बात की थी, 7 साल पूरे, 8वां साल शुरू, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आ जाइए, पानी देख लिया, अब हवाएं चाहिए आपको ऐसा मॉडल, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा दिखाती हूं। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ये न्यूज़पेपर आपको गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दिल्ली के अखबारों को सच्चाई को यहां नहीं दिखाने के लिए ही 822 करोड़ रुपया विज्ञापनों पर फूंक डाला है। जिन्हें विज्ञापन मिल रहे हैं वो ये सच्चाई क्यों दिखाएंगे? अगर ये सच्चाई दिखाएंगे तो करोड़ों रुपए का जो विज्ञापन उन्हें केजरीवाल दे रहे हैं वो बंद हो जाएगा, साफ बात है। इसलिए अब आप पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज कहती है, न्यू स्टडी रैंक्स दिल्ली एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, भारत की राजधानी विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे
प्रदूषित राजधानी हो चुकी है जिसकी हवाएं जहरीली हैं। इसको आप यहां पलट दीजिए। अब यहां पर भी मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, आप तक नहीं पहुंची होगी। वायु प्रदूषण झूठे झूठे बहानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार, दिल्ली सरकार को फटकार दी ये धमकी। ये धमकी कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। फटकार कौन लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। किस मुद्दे पर लगा रहा है? वायु प्रदूषण के नाम पर, जो जहरीली हवाएं हैं। ये वाला आपका वर्ल्ड क्लास मॉडल है। फटकार क्या लगाई उन्होंने? धमकी दिया दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके समूचे राजस्व के ऑडिट का आदेश दे देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं उन्हें कोट कर रही हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर आप यही करेंगे तो हम आपका ऑडिट करा लेंगे कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा आप किस तरीके से अपने प्रचार प्रसार विज्ञापनों पर फूंक रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। आ जाइए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, स्पेशल दिल्ली से लेकर आई हूं और इसको पंजाब गोवा उत्तराखंड के लोगों को दिखाकर दिल्ली की हूं, मेरी दिल्ली ठगी गई है। इसलिए केजरीवाल की सत्ता और विधायकी को ठोकर मारकर आज संघर्ष कर रही हूं, सच्चाई दिखा रही हूं, इनके झूठे मॉडल को बेनकाब कर रही हूं। ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है, प्लीज देखिएगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, यहां तक नहीं पहुंची, लेकर आई हूं। कैंसर अस्पतालों में, दिल्ली सरकार का कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पतालों में 2 साल से जरूरी सर्जरी बंद है। दिल्ली सरकार के कैंसर अस्पताल में 2 साल से सर्जरी नहीं है। कौन जाता है? गरीब का बच्चा कैंसर से दम तोड़ रहा है। निजी आदमी, अमीर आदमी निजी अस्पतालों में, विदेशों में जाकर अपना इलाज करा लेंगे, गरीब का बच्चा दिल्ली के कैंसर अस्पताल में दम तोड़ रहा है। पिछले 2 साल से सर्जन नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो रहे। कारण क्या है? कारण ऊपर ही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिखता है, डॉक्टरों की 69% डॉक्टर्स नहीं है दिल्ली केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल के तहत। 69-70% डॉक्टर नहीं है, 53% नर्सेस नहीं है। जब यही हॉस्पिटल किसने बनाया था? कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल में यह अस्पताल बनाया था। 1 साल में 1000 कैंसर की सर्जरीज होती थी क्योंकि डॉक्टर थे, नर्सेस थे, सर्जन थे। अब कितनी होती है? अब 1 साल में 101, 102 ही हो रही है क्योंकि बिस्तर भी 164 ही बचे हैं। ये है दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल, ये सच्चाई है। प्लीज धोखे में मत आइएगा, करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पे मत जाइएगा, केजरीवाल के धोखे में आ जाएंगे। जैसे दिल्ली ठगी गई, आप भी ठगेंगे। टर्न करती हूं, फिर ये मैं नहीं कह रही, हाईकोर्ट को कोट कर रही हूं। हाईकोर्ट कहता है ये कैसा दिल्ली का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हाईकोर्ट ने जताई हैरानी। क्यों हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है? हाईकोर्ट ने इसलिए हैरानी जताई है, कहने को दिल्ली के केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास मॉडल है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना इसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लोगों ने दम तोड़ा है। वेंटिलेटर नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। ये इसका मॉडल है जिसको विज्ञापनों में चमका के करोड़ों रुपए के आपको दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। आ जाइए नशा शराब, 400 दुकानें थी शराब की दिल्ली के अंदर सरकारी। अब आपके राज्यों में पंजाब गोवा उत्तराखंड, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे युवाओं के हाथों में रोजगार मिले, शराब की बोतल ना मिले, जो अरविंद केजरीवाल थमाना चाहते हैं, जो दिल्ली वालों के हाथ में मजबूरी में थमा दी गई है, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल कहते थे मोहल्ला सभाएं बुलाएंगे, उस मोहल्ला जो है सभाओं में स्वराज के तहत फैसला होगा, लेकिन मोहल्ला सभा नहीं बुलाई, महिलाओं से नहीं पूछा, वो महिलाएं आंदोलित है। 400 सरकारी दुकानें बंद करके अरविंद केजरीवाल ने 800 निजी दुकानें खोल दी हैं, 800 निजी दुकानें, 800 से ऊपर निजी दुकानें खोल दी हैं। अब उन शराब के ठेकेदारों को जिसको केजरीवाल जी ने लाइसेंस दिया, उन्होंने पूछा ग्राहक कैसे आएंगे, ग्राहक भी तो दीजिए केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी ने क्या किया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, शराब पीने की उम्र जो युवाओं की दिल्ली के अंदर 25 साल थी उसे तुरंत चुटकियों में घटाकर 21 साल कर दिया। चांदी हो गई। शराब माफियाओं की, जिनको लाइसेंस पैसे देकर मिले हैं, उसी पैसे से विज्ञापन चुनाव प्रचार प्रसार भी हो रहा है। अब ग्राहक मिल गया क्योंकि उम्र सीधा 25 से 21 हो गई। अब यहां तक भी नहीं वो माने, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में साल में
21 ड्राई डे है। ड्राई डे मतलब जिस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो इस तरह से 21 दिन है। इससे हमारी दुकानें बंद रहती हैं, साल में 21 दिन नुकसान होता है। केजरीवाल जी का दिल पसीज गया। केजरीवाल जी ने फिर फैसला किया कैबिनेट की मीटिंग में कि ये जो ड्राई डे है जिस दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं, अब वो 21 दिन नहीं मात्र 3 दिन बंद रहेंगे। क्यों ना करें, दिल्ली वालों को मुफ्त पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर ठगा जा रहा है। पैसा कहां से आएगा आपको मुफ्त मुफ्त मुफ्त? आपके राज्य गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, सुनिएगा पैसा कहां से आएगा, शराब बेच कर आएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि अब शराब से उन्हें 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया शराब से आएगा। क्योंकि आपको मुफ्त बिजली और पानी देना है ना, आपको शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर जो दिल्ली ठगी गई वो ठगी गई। ये पैसा जो 10,000 करोड़ आ रहा है ना, ये कहीं शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी पर नहीं, उसकी सच्चाई तो मैंने आपको दिखा दी। 70,000 करोड़ का जो दिल्ली सरकार का बजट है वो भी कम पड़ रहा है। तनख्वाहें नहीं है देने को, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, भर्ती नहीं हो रही, बेरोजगारी सबसे ऊपर है। लेकिन यहां 10,000 करोड़ आपको मुफ्त बिजली पानी, आपको चाहिए ऐसा मुफ्त कि आपके बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं, 10,000 करोड़ रुपए की शराब बेचकर राजस्व कमाकर आपका वोट लेने के लिए, फिर यही पैसा आपको मुफ्त के नाम पर देकर वाहवाही लूटी जाए। भ्रष्टाचार, लास्ट मुद्दा लेकर आई हूं, बेनकाब किया है। मैं अपने साथियों को कहूंगी, एक एक न्यूज, एक एक सबूत, एक एक अखबार दिल्ली की राजधानी से लेकर आई हूं ताकि लोग दिल्ली की तरह गोवा, उत्तराखंड, पंजाब धोखे में मत आ जाना। दिल्ली की लड़ाई लंबी है, मुझे मालूम है, लड़ेंगे, बेनकाब करेंगे इन्हें। जो आए तो भ्रष्टाचार के नाम थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सच्चाई है इनकी। गोवा में अरविंद केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने आया हूं, उत्तराखंड में कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने आया हूं। प्लीज ये सच्चाई दिखाइएगा, इस मेरे वीडियो में से 2-2 मिनट का वीडियो निकालिएगा, एक एक मुद्दे पर बेनकाब किया है। ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, न्यूज लॉन्ड्री की हेडलाइन ये कहती है कि दिसंबर 2020 से दिल्ली लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है। 2020 से 21, 21 से 22 आ गया, जिस दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच के लोकायुक्त दफ्तर में लोकायुक्त पद पे नहीं है, दफ्तर पे ताला लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल, ये कैसे भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं आप? ये कैसा भ्रष्टाचार है जहां पर आप ही के, दिल्ली के आप ही के अधीन आने वाले लोकायुक्त के दफ्तर पे ताला है, क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं आप 2 साल से कर रहे हैं। और यही नहीं, 87 केसेस विधायकों के खिलाफ निलंबित है। कह रहे थे भ्रष्टाचार होगा ना, सबूत आएंगे, लोकायुक्त पे सुनवाई होगी, उन्हें सजाएं देंगे। 87 मामले आप ही के विधायक, भाजपा के विधायकों के खिलाफ निलंबित, ठंडे बस्ते में आपने अरविंद केजरीवाल जी डाल दिए हैं। और इसे आप दोबारा पढ़ेंगे न्यूज लॉन्ड्री को, दिल्ली के विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय में 2018 से केसेस निलंबित है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार हो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तो लोकायुक्त की नियुक्ति करिए, दिल्ली के लोकपाल दफ्तर के ताले को खोलिए, और इन विधायकों के खिलाफ दम हो तो कार्रवाई करके दिखाइए, वरना गोवा, उत्तराखंड और पंजाब के लोगों को जा के भ्रष्टाचार के नाम पर ठगना बंद करिए। एक और आपको बात बताती हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के अस्पताल इतने बढ़िया हैं, मैं इसी वीडियो के साथ नीचे ट्वीट करूंगी सबूत, आरटीआई का सबूत आया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपया और इनके दूसरे मंत्रियों ने अपने और अपने परिवार के इलाज में निजी अस्पतालों में खर्च किया है। पैसा किसका है? टैक्स पेयर का पैसा है। वो टैक्स पेयर जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, दम तोड़ दिया, जहां कैंसर हॉस्पिटल में सर्जन नहीं है, 2 साल से सर्जरी नहीं हो रही है, उन अस्पतालों पे नहीं खर्च किया। दिल्ली के केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने और अपने परिवार के निजी अपोलो एस्कॉर्ट अस्पतालों में, इंद्रप्रस्था में इलाज कराने में करोड़ों रुपया फूंक डाला है। करोड़ों रुपया आरटीआई में जानकारी आ चुकी है। इतने बढ़िया आपके अस्पताल थे तो आपने अपने अस्पतालों में इलाज कराने की बजाय निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करवाना और करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का वहां देकर आना क्यों किया? आ जाइए, अकेला नेता बचा है देश का, इकलौता अकेला नेता जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस भाजपा और संघ की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, इसलिए वही हमेशा घेरा जाता है, उसका नाम है राहुल गांधी। आज 11 तारीख है, 11 फरवरी, राहुल गांधी जी गोवा आ रहे हैं, प्रेस वार्ता करेंगे,
काश ये हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने पिछले 8 सालों में दिखाई होती कि प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में रूठ रहे ज्वलंत सवालों को लिया होता और उनके जवाब देने की हिम्मत दिखाई होती। देश के प्रधानमंत्री जी सवाल लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। गोवा में आए 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा में आए, गोवा के बारे में बात नहीं की। गोवा के अंदर जो कोले की खदानें इनके पूंजीपति मित्र लूट रहे हैं, माइंस बंद पड़ी हुई हैं, बेरोजगारी चरम पर है, सेक्स स्कैंडल में इनके नेता जो है वो इस्तीफा देने पर मजबूर होता है, प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी याद करते हैं गोवा लिबरेशन, गोवा की आजादी की लड़ाई, नेहरू जी का भाषण जो आज से 6 दशक पहले 60 साल पहले दिया, उस भाषण का जिक्र करके नेहरू जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी पर हमला करके जाते हैं। ये आपकी कायरता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा में डबल इंजन की आपकी सरकार है, उस पर जवाब नहीं है आपके पास। और आप नेहरू जी का भाषण जो गोवा की आजादी के से पहले दिया गया था उसको कोट करते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि बिना खून बहाए गोवा की आजादी जो हुई वो नेहरू जी के समय ही हुई थी, वो नेहरू जी के समय ही हुई थी। अब यहां देखिएगा, राहुल गांधी जी अकेले नेता हैं। पीएम केयर फंड कब बनाया गया था? पीएम केयर, हमारी गलतफहमी थी कि कोविड के काल में बनाया जा रहा है, पब्लिक केयर होगा, पब्लिक की केयर में पैसा लगेगा, पर ये तो पीएम केयर था ना, प्रधानमंत्री जी की केयर के लिए था। 10,990 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया कोरोना महामारी में। खर्च कितना हुआ? 3,976 बस अब तक। बाकी कहां है कोई पूछेगा। केजरीवाल की तरह आपने भी अपने विज्ञापन प्रचार प्रसार में फूंक डाला, अकेला नेता। पलटिए इसको, अब इस खबर पर आ जाइए। कायर केजरीवाल, कायर केजरीवाल, एक समय पर मोदी जी का नाम लिए बिना, शाह का नाम लिए बिना केजरीवाल का भाषण पूरा नहीं होता था। द हिंदू की खबर है, हेडलाइन है, अरविंद केजरीवाल हैज नॉट यूज द वर्ड मोदी इन ऑल 38 स्पीचेस ही हैज मेड इन डिफरेंट स्टेट्स सिंस द इलेक्शन डेट्स वर अनाउंस्ड। 38 भाषण दिए, 38 जनसभाएं की गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में, एक बार भी हिम्मत नहीं की कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गोवा, उत्तराखंड, जहां उनकी सरकारें हैं, उनका नाम लेकर उनकी डबल इंजन से सवाल कर सके कि क्यों बेरोजगारी है, क्यों भ्रष्टाचार है। एक बार हिम्मत नहीं हुई इस कायर केजरीवाल की। सिर्फ एक नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी, लगातार इन्हें ललकार रहे हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल गोवा के 5 सितारा होटल सिदादे गोवा में पूरी तरह, 2017 में इसी आम आदमी पार्टी की विधायक थी, मैं भी यहीं पर थी उस समय, हम लोग छोटे छोटे से कमरों में, खोलियों में रहकर 2017 में इस केजरीवाल की पार्टी के लिए प्रचार किया। लेकिन 5 सालों में देखा कि आज वो 5 सितारा सिदादे में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, करोड़ों का बिल दे रहे हैं, और वो बिल कौन चुका रहा है? मुख्यमंत्री है ना, इसलिए दिल्ली का करदाता चुका रहा है, अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्रियों का गोवा में आने का, 5 सितारा में रहना, खाना पीना और उसके सारा पैसा। अगर ये कोई और चुका रहा है तो क्या हमें जानने का हक है कि अरविंद केजरीवाल तुम तो पारदर्शिता की बात कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, कौन दे रहा है चुनावी चंदा तुमको लड़ने के लिए? अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से, अगर मैं कहूं गोवा में बैठी हूं तो गोवा में करोड़ों का प्रचार, पंजाब जा रही हूं करोड़ों का प्रचार, उत्तराखंड में करोड़ों का प्रचार, लेकिन कहीं पर भी भाजपा को टारगेट करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, सीधा कांग्रेस। जबकि आपको भी पता है गोवा हो उत्तराखंड हो, कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, दिल्ली उत्तराखंड और गोवा में भाजपा सत्ता में। सवाल किससे होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल, भाजपा से होना चाहिए। लेकिन आप भाजपा का तो लाभ करने आए, मैं नहीं, नितिन गडकरी जी गोवा में थे, बोलकर गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गोवा में आने से या आम आदमी पार्टी के लड़ने से उत्तराखंड और गोवा में सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। ये नितिन गडकरी जी सच्चे आदमी है, मुझे लगता है बोलकर गए हैं कि इनके लड़ने से हमें नुकसान नहीं, हमें फायदा है, ये कांग्रेस का वोट बांट रहे हैं। दिल्ली ठगी गई है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को 2 बार क्यों बहुमत मिला? मिला था 2 बार बहुमत, 2019-20 में जीते और 20 में जीतते ही 2 बार बहुमत दिया और केजरीवाल ने दिल्ली को दंगों की आग में झोंका।
दूसरे राज्यों में तिरंगा झंडा हाथ में लेकर अरविंद केजरीवाल शांति मार्च करते हुए दिखते हैं, लेकिन दिल्ली तरस गई 2020 के दंगों के बाद। अरविंद केजरीवाल तुम्हारे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शांति मार्च करते हुए देखने के लिए जिन इलाकों में दंगे भड़के थे, अमित शाह मोदी की जोड़ी के सामने केजरीवाल ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। दंगे हुए, दंगे की आग में केजरीवाल तुम्हारे और मोदी के रहते हुए वहां पर लोग दंगों की आग में जले। किस तरीके से कभी मरकज के लोगों को बदनाम किया, कभी दूषित हवाओं के लिए किसानों को जो है वो सिर पर ठीकरा फोड़ा। यही अरविंद केजरीवाल जब कृषि कानून आए, सबसे पहले किसी विधानसभा में कृषि कानून पारित हुए, मोहर लगी तो अरविंद केजरीवाल ने लगाई। भूलना मत, अगर हम कहें दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने का समर्थन भी अरविंद केजरीवाल तुमने किया था। दिल्ली के अंदर मरकज से लेकर जो है 300 सीए के ऊपर मोहर लगाने का काम, संघियों की विचारधारा जो है जिसपे वो चलकर, राहुल गांधी जी ने सही कहा है, देश में दो विचारधाराएं, एक हिंदुत्ववादी और एक हिंदूवादी है। फर्क है हिंदुत्ववादी और हिंदूवादी में। हिंदुत्ववादी गोडसे है, हिंदूवादी जिसके मुंह से हे राम निकला था वो गांधी है। हिंदुत्ववादी सोच गोडसे की हिंसक सोच है, हिंदूवादी सोच गांधी की अहिंसा के रास्ते पर चलकर चलने की सोच है। हिंदुत्ववादी सोच देश को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में बांटकर जहर नफरत घोलने की सोच हिंदुत्ववादी सोच है। देश को एक रखते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक रख कर आगे ले चलने वाली सोच का नाम हिंदूवादी सोच है, जो राहुल गांधी जी की सोच है। हिंदुत्ववादी सोच देश के बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जो संविधान है उसके खिलाफ जो सोच है वो हिंदुत्ववादी सोच है। जो संविधान का सम्मान करे, जो संविधान की लाज रखे, संविधान पर आंच ना आने दो, वो हिंदूवादी सोच है, वो गांधी की सोच है, वो कांग्रेस की सोच है, वो राहुल गांधी की सोच है। जिन्हें अभी भी फर्क समझ नहीं आ रहा कि हिंदुत्ववादी और हिंदूवादी में फर्क क्या है, तो ये फर्क मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है। मैं हाथ जोड़कर दोबारा कह रही हूं, आज 11 तारीख है, 12 तारीख को गोवा में चुनाव प्रचार थम जाएगा, 13 तारीख को सुबह सुबह अमृतसर पहुंच रही हूं, 13 तारीख से 19 तारीख चुनाव थमने तक पंजाब में रहूंगी। इसलिए रहूंगी क्योंकि इन दोनों जगहों पर मैं कहूं तो दिल्ली के ठगों ने पूरी तरह से करोड़ों रुपए के विज्ञापनों से वहां की भोली भाली जनता को ठगने का जो है अपना ठेका भाजपा से लिया हुआ है। उन्हें बेनकाब करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं। लालच होता सत्ता का, लालच होता विधायक बनने का, तो ना आम आदमी पार्टी छोड़ती, ना विधायकी छोड़ती, ना जीरो से कांग्रेस जो जीरो पर है, और ना जीरो से अपना संघर्ष शुरू करती। और आज 2 साल से अधिक समय हो गया है, आज 11 फरवरी है, आज ही के दिन 2 साल पहले दिल्ली के परिणाम आए थे। जो भी परिणाम आए सर माथे पे लिए, थक हार कर घर बैठ कर हार नहीं मानी, लड़ रही हूं, पिछले 27 सालों से लड़ रही हूं, झूठ के खिलाफ लड़ रही हूं, अपनी दिल्ली और अपने देश के लोगों के लिए लड़ रही हूं। कर्नाटका में जो कुछ भी हुआ शर्मसार करने वाला था, एक बेटी के पीछे 100 भेड़िए दौड़ाए जा रहे थे और गर्व महसूस किया जा रहा था। मैं इस पर भी अपनी बात को रखूंगी क्योंकि लोग बहुत चाहते हैं मैं बात रखूं, और इस पर भी रखूंगी। स्कूल में आप गए, स्कूल में हम भी गए। जब तक हम स्कूल में थे बिल्कुल स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, सबको वही सेम ड्रेस सेम रंग सब पहनना पड़ता है, और जहां पर हम स्कूल की यूनिफॉर्म में, कभी स्कूल में रिबन नहीं, कभी टाई नहीं, कभी जुराब का रंग बदल जाता था या जूता पॉलिश भी नहीं होता था तो फाइन लगता था, टीचर सजा देती थी कि आपकी यूनिफॉर्म में कमी है, सबको एक जैसी यूनिफॉर्म में आने की पाबंदी थी। लेकिन जब स्कूल पार किया तो यूनिवर्सिटी कॉलेज महाविद्यालयों में गए, वहां पर कोई ड्रेस कोड नहीं, संविधान ने आजादी जितनी महिलाओं को दी पुरुषों को सबको बराबरी की आजादी दी, आप क्या पहनना चाहते हैं वो आप पहने। कॉलेज के अंदर आजादी है लेकिन पहनावे की बात महिलाओं पे ही क्यों, पुरुषों के पहनावे में कोई जींस, कोई टाइट जींस, कोई जीन पैंट, कोई निक्कर, कोई किस तरह की शर्ट, कोई टी शर्ट पहनकर आए, कभी विवाद नहीं हुआ, सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर ही विवाद क्यों। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्कर्ट पहनकर आए, कोई जींस पहनकर आए, कोई साड़ी पहनकर आए, कोई सूट सलवार कुछ भी पहनकर आए,
ये आजादी है, इस आजादी को आपको कैसे छीनने देंगे, वो आजादी जो आजादी और हमारे संविधान ने हमें दी है। ये बार बार हमला महिलाओं पर, उनके पहनावे पर भाजपा संघ की सरकार करती आई, क्या ये सच नहीं है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के पहनावे पर जींस पहनने वाली हमारी बेटियों को कहा ये संस्कारी नहीं है, इनके पास संस्कार नहीं है, ये जींस पहनती हैं। शर्म करिए संघी भाजपाइयों, जो संविधान में मिली हमारी आजादी, पहनावे की आजादी पर हमला करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, यही गोवा में बैठी हूं, गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा के बीचेस में बिकनी नहीं पहनेंगी आप, या आप तय करेंगे या हमारा संविधान तय करेगा, या हम महिलाएं तय करेंगे हम क्या पहनेंगी, कहां और क्या नहीं पहनेंगी। कर्नाटका पहुंच जाए तो वहां पर इन्हें यह मंजूर नहीं कि हमारी एक समुदाय कम्युनिटी की महिलाएं जो है वो बुर्का क्यों पहन रही है, कहीं जींस क्यों पहन रही है, कहीं बिकनी क्यों पहन रही है। ये संघी मानसिकता जो महिला विरोधी रही है ये तय करेगी, या हम महिलाएं, ये तय भारत की आधी आबादी हम महिलाएं तय करेंगी कि हम क्या पहने और क्या ना पहने। ये समझ लीजिएगा, ये आजादी हमें संविधान ने दी है, और ये आप हम ही पर हमला नहीं कर रहे, आप संविधान पर हमला कर रहे हैं। और जब संविधान पर हमला होता है तो आप सोच लीजिएगा, ये किसी एक पर नहीं, ये देश पर हमला है। आज इनको हिजाब से समस्या है, कल इनको हमारे सिख समुदाय की पगड़ियों से होगा, परसों बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, बौद्ध भिक्षु, उनका एक पहनावा है, वो उस पहनावे में रहते हैं। हमारे जैन समाज के लोग जो हैं एक सफेद पोशाक में अपने हिसाब से रहते हैं। इन्हें एक एक करके अब सबसे समस्या होगी। ये एक रंग में, जो भारत का तिरंगा झंडा है जिसमें तीन रंग है, जो इस देश को एकता दिखाता है, उस पर हमला करके एक रंग का झंडा लहराना चाहते हैं। मैं NSUI के हमारे छात्रों को जो जुड़े उनको सलाम करती हूं कि जब उस कॉलेज के भगवा, जो संघ का भगवा है, मैं उसकी बात कर रही हूं, तिरंगे को हटा के संघ के भगवा को लहराने की कोशिश की, तो हमारे NSU के लोगों ने उस कॉलेज में उस भगवा झंडे को उठाकर फेंक कर संघ के तिरंगा झंडा, जो देश का झंडा है जिसमें हम सबको मान है, उसे फहराया। सलाम करती हूं उसके लिए। मैं आपसे कहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 8 साल हो गए आपके राज्य में सरकारें हैं, अपराधियों को बेल करा रहे हैं आप, राम रहीम हत्या बलात्कार में दोषी करार दिए गए, उम्र कैद काट रहे थे, उनकी बेल बीच चुनाव में कराई जाती है चुनावी लाभ लेने के लिए। किसानों के हत्यारे जो दोषी, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, अजय मिश्र देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे कि अजय मिश्र ने सोची समझी साजिश के तहत अपने बेटे आशीष मिश्र से जो है वो हमारे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलवाया, उनकी हत्या करवाई, ये साबित हुआ। और उसके बाद क्या होता है, हम बर्खास्तगी की मांग करते हैं, वहीं बीच चुनाव उत्तर प्रदेश में एक समुदाय, एक जाति विशेष का वोट लेने के लिए आशीष मिश्र की बेल करवा दी जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, उन्नाव के बलात्कार के दोषी उम्र कैद काट रहे कल को कुलदीप सेंगर भी बाहर हूं। ये प्रधानमंत्री वो हैं जो कहते थे राजनीति में अपराधीकरण खत्म करेंगे, लेकिन एक एक चुनाव के दौरान सिर्फ वोटों का लाभ लेने के लिए दोषी करार दिए गए हत्यारे बलात्कारियों की बेल करवा रहे हैं। ये आपको सोचना है, ये अलका लांबा की परेशानी नहीं है। मेरा तो संघर्ष 27 सालों से है, और जब तक जिंदा रहूंगी इस देश के लिए संघर्ष करती रहूंगी।